छोटा चना बाजे घरा नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि श्योम गौतम। ये बात कर रहा हूँ इंडिया टुडे के बारे में, जिसके ऊपर 31 जुलाई को BARC यानी कि ब्रॉडकास्टर ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 5 लाख रुपए का जुर्माने का नोटिस भेजा था। और ये इसलिए भेजा गया था क्योंकि इंडिया टुडे को व्यूअर मेल प्रैक्टिस यानी कि जो दर्शक हैं उनको गलत तरीके से आकर्षित करने या उन पर दबाव डालने, उनको ललचाने का एक केस बना था जो सेक्शन 7 के तहत आता है, और उसके तहत इंडिया टुडे को इसका दोषी पाया गया था। उसके बदले में इंडिया टुडे को ये वार्निंग दी गई थी कि चूंकि ये तुम्हारा पहला अपराध है इसलिए इस बार बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन 5 लाख का जुर्माना चैनल को चुकाना पड़ेगा। अगर बात की जाए उस ऑर्डर की, तो उस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि काउंसिल इज सेटिस्फाइड दैट द सब्सक्राइबर हैज ब्रीच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द EULA एंड हैज कमिटेड व्यूअरशिप मेल प्रैक्टिस एज मोर पर्टिकुलरली अलेज्ड इन द शो कॉज नोटिस एज वेल एज रिपोर्ट सबमिटेड बाय द BARC विजिलेंस टीम, यानी BARC की विजिलेंस टीम ने भी इसकी पूरी जांच की थी, जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप को, टीवी टुडे ग्रुप को, जो कि इंडिया टुडे का मालिक ग्रुप है आज तक और इंडिया टुडे 2 चैनल चलाता है, उसको 10 एज पर क्लॉज 14A ऑफ CCRVM दिस बींग द फर्स्ट ऑफेंस ऑफ द सब्सक्राइबर, therefore the council is satisfied that in the present case a warning be issued to the subscriber and the subscriber shall be fined for 5 lakh rupees। ये 31 जुलाई को भेजा गया था, लेकिन अभी तक इंडिया टुडे ग्रुप ने इसका जुर्माना नहीं चुकाया। लेकिन उससे बड़ा धोखा तो ये हुआ कि बाकी के किसी भी चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, इस खबर को नहीं बनाया था, लेकिन कल जब एक झूठी खबर लेकर परमवीर सिंह सामने आते हैं, रिपब्लिक टीवी का नाम लेते हैं, तो सभी के सभी चैनल उस खबर को लेकर रिपब्लिक टीवी को और अर्णब गोस्वामी को निशाने पर ले लेते हैं। ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है या फिर ईर्ष्या है या जलन है, क्या है ये तो लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में इंडिया टुडे ग्रुप खुद फंस गया है, जो दूसरों को फंसाना चाहता था अब वो उस गड्ढे में गिरता हुआ दिख रहा है। बचपन में हमें एक दोहा सुनने को मिलता था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन धाक्या अपना, मोसो बुरा न कोई। ये बात पूरी तरीके से राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई, अरुण पुरी पर लागू होती है, जो दूसरों को बदनाम करने के लिए दूसरे चैनलों पर TRP मैनिपुलेशन का आरोप लगाते हैं, और ये साबित तौर पर अपराधी हैं TRP के मैनिपुलेशन के। TRP के कितने बड़े चोर हैं ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो BARC है उसने इस बात के लिए पूरी जांच के बाद, पूरी विजिलेंस जांच के बाद इनको पहले भी दोषी पाया है, और अब इस मामले में भी ये सीधे तौर पर दोषी पाए जाएंगे, जिनको बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस का कमिश्नर परमवीर सिंह करता हुआ दिखा। और उसने 12 घंटे के भीतर इंडिया टुडे ग्रुप को इस पूरे मामले में जिस तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की, गवाह को डराने के लिए उसके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई, इससे पता चलता है कि ये कितने बड़े स्तर पर इसकी सेटिंग है। कल परमवीर सिंह ने कहा था कि ये 40,000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन जिस तरीके से 5 लाख का जुर्माना इंडिया टुडे पर लगाया गया है वो बताता है कि इंडिया टुडे इस घोटाले को बहुत पहले से करता आ रहा है, और यही वजह है कि इसके जो 2 चैनल हैं उनमें इंग्लिश का चैनल तो हालांकि TRP में कहीं ये दिखता नहीं था क्योंकि वो वास्तव में लोग उसे देखते भी नहीं थे, लेकिन आज तक चैनल को ये नंबर 1 बताकर जो तमाम विज्ञापन दाता हैं, तमाम विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं, उनके माल पर डाका डाला करते थे, उनसे मोटी रकम वसूला करते थे और सीधे तौर पर देश की जनता को गुमराह करके उसको चूना लगाने का काम भी किया करते थे। आज तक चैनल क्यों इतने दिनों तक नंबर 1 बना रहा है, इसका पूरा राज खुल गया है, उसके पीछे TRP घोटाला था, और इसी वजह से अब इस TRP के सिस्टम को खत्म करने की बात उठ रही है, क्योंकि इसके माध्यम से जो तमाम चैनल हैं वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किस तरीके से लोगों को पैसे देते हैं,
किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, जो चैनल लोग देखते हैं उसका पता वैसे ही चल जाता है, और जिस तरीके से NDTV की TRP गिरी क्योंकि उसने सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की, वो एक तरफा देश विरोधी लोगों को अपने यहाँ मंच देता रहा। दूसरी तरफ रिपब्लिक TV की TRP बढ़ी यानी कि उसकी व्यूअरशिप बढ़ी, तो उसकी वजह ये है कि लोगों को ये लगता है कि जो वो चाहते हैं, जिस तरीके से खबरें आए उस तरीके की खबरें रिपब्लिक पर दिखती हैं। TRP की वजह से तमाम ऐसे आंकड़े भी सामने आते हैं जब वो देखने को ये मिलता है कि जिन सीरियल्स को या जिन एपिसोड्स को लोग पसंद नहीं करते उसकी भी TRP कई बार देखने को मिलती है ज़्यादा। जैसे बिग बॉस के मामले में देखा जा सकता है कि बिग बॉस में जो फुअरता परोसी जाती है उसको लेकर, लेकिन TRP का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और उसके माध्यम से बिग बॉस के दौरान तमाम जो बड़े बड़े विज्ञापनदाता हैं वो मोटी रकम खर्च करके अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की ज्यादातर जनता बिग बॉस जैसे नाटकों को देख रही है। यही हाल जिस तरीके से स्टार प्लस के सीरीज के जो एकता कपूर के नाटक आते थे उनको लेकर भी कही जा सकती है, और उसमें भी एक बड़े घोटाले की बू अब इस सब को देखते हुए आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब यहाँ है कि परमवीर सिंह और महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस मामले में, जिसमें कि रिपब्लिक TV दोषी नहीं था और उसके खिलाफ उसके अकाउंट फ्रीज करने से लेकर उसके पत्रकारों को जेल तक भिजवाने की बात की जा रही थी, क्या अब वो अरुण पुरी और उसके पूरे गैंग को जेल में डाल पाएंगे? क्या अरुण पुरी इस पूरे के पूरे TRP घोटाले के लिए जनता से माफी मांगेंगे? क्या राहुल कमल और राजदीप सरदेसाई अपने तमाम झूठे प्रपंचों के लिए देश की जनता से माफी मांगेंगे, या फिर इसी तरीके से शर्मनाक तौर पर पत्रकारिता के नाम पर झूठ लोगों को परोसते रहेंगे और दूसरे लोगों को गाली देते रहेंगे, उनकी बुराइयां करते रहेंगे? यह निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला है जो अब पूरी तरह से खुल गया है। जिस कुएं में दूसरे लोगों को डालने की कोशिश की जा रही थी, अब उसी कुएं में ऐसा लगता है कि आज तक और इसका जो दूसरा इंग्लिश का चैनल है India Today, ये दोनों धंसते हुए नजर आ रहे हैं। और उन पत्रकारों के लिए जो अपने आप को छुटवैया पत्रकार या बहुत बड़ा पत्रकार आज तक का बताने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि या तो वो समय रहते इस दलदल से निकल जाएं, नहीं तो फिर उनको कहीं न नौकरी मिलेगी न TRP मिलेगी, क्योंकि लोग इस समय राष्ट्र के साथ हैं, लोग समाज के साथ हैं, राष्ट्रीय सम्मान के साथ हैं, और जो लोग राष्ट्रीय सम्मान को आँच पहुँचाते हैं, देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं, पैसा कमाने के लिए TRP चुराते हैं या झूठी TRP का दावा करते हैं, उन लोगों के साथ आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग उनका अब विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उन चैनलों को भी अब इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, और इस मामले को लेकर जिस तरीके से रिपब्लिक TV पहले से तक तक करके इसको निशाना बनाता रहा था, तो उसको लेकर भी वो रिपब्लिक TV की बुराई करते थे, लेकिन वो लोग कभी भी इस सवाल के पीछे नहीं पड़े कि क्यों आज तक चैनल हमेशा से TRP में नंबर वन रहता है, जबकि दूसरे चैनलों पर भी कई प्रोग्राम बहुत अच्छे आया करते थे, उसके बावजूद आज तक चैनल ये सब मैनेज करता था, क्योंकि वो जो व्यूअर होते थे उनके साथ में गलत तरीके से उन्हें ललचाने की कोशिश करता था, उन्हें पैसे की रिश्वत देकर अपने लिए TRP खरीदने का काम करता था। यह TRP खरीद फरोख्त अब ऐसा लगता है कि आज तक के लिए उसके अंत का एक बड़ा कारण बनेगी, क्योंकि अब लोगों को आज तक चैनल पर विश्वास पूरी तरीके से हट गया है। आज तक की जो एक तरफा रिपोर्टिंग होती है उसमें जिस तरीके से देश विरोधी समाज विरोधी तत्वों को हवा दी जाती है, उनके पक्ष में रिपोर्टिंग की जाती है, और कई बार तो जो पुलिस की कहानी होती है उसी को सच दिखाने की कोशिश की जाती है, और ऐसा जिक्र एक बार श्वेता सिंह ने हमसे खुद पर्सनली किया था, और ये बताया था कि कैसे जब वो नई आई थी तब उसने एक खबर चलाई थी, उस खबर में एक लड़की ने अपने मामा के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था, और हमने उस खबर को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया था। अगले दिन वो प्रोफेसर जो लड़की का मामा था वो बेचारा मृत पाया गया था, क्योंकि ये लड़की के प्रवीण प्रसंग का विरोध कर रहा था, और उसकी वजह से लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन आज तक ने उस खबर को ऐसे पेश किया था जैसे यही पूरी तरह सच्चाई है, और उसके बाद उस व्यक्ति को ये लगा कि अब वो समाज
समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और उसका खामियाजा उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। इस तरीके के एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं हमारे पास। हमने इसको चर्चा भी की थी और हमने तब कहा था श्वेता सिंह से, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी गैरत है तो तुम अपने चैनल वालों से कहो कि अपने हर खबर के नीचे ये दिखाएं कि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, पुष्टि करने के लिए आप दूसरे सूत्रों से इसकी पुष्टि कर ले। तो उसने ये कहा था कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा चैनल चलेगा ही नहीं, हम ये कहते हैं कि हम सच दिखाते हैं इसीलिए लोग देखते हैं। यानी कि जानबूझकर आज तक चैनल झूठ परोसता है और उसका समाज पर, लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आज तक चैनल पर आपको जितने भी चेहरे दिखते हैं उनमें कुछ आपको राष्ट्रवादी नजर आते होंगे, देशभक्त नजर आते होंगे, लेकिन वो भी पैसे के लालच में उस झूठ के साथ में खड़े हुए हैं, वो भी उन झूठे टीआरपी चोरों के साथ खड़े हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो आप उनसे सहानुभूति रखें इसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी अगर बुरे का साथ दे रहा है, गलत के साथ खड़ा हुआ है, गलत के लिए काम कर रहा है, तो वो भी बुरा है। और वो सब के सब जिन्हें आप ये समझ रहे हैं कि वो शायद राष्ट्रवादी हैं, वो मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, कोई भी मजबूरी नहीं है, इनको बहुत मोटा पैसा मिलता है और ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे राजदीप सरदेसाई हो, राहुल कमल हो, या फिर रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह जैसे लोग हों, इनमें और चित्रा त्रिपाठी या तनुश्री पांडे जैसे लोगों में कोई अंतर नहीं है। ये वही लोग हैं जो खबरों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और हमेशा देश में अलग तरीके से खबर दिखाने के चक्कर में समाज के अंदर जो वैमनस्य पैदा करते हैं, जिस तरीके से सनसनी पैदा करने के लिए झूठी खबरों को सच की तरह दिखाते हैं, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ था कि मुख्य आरोपी को ही आज तक चैनल कई दिन तक एकदम से निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, उसके लिए पीआर एजेंसी का काम करता रहा और उसके बारे में हर खबर को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगा। और जब उसी के संदर्भ में सुधीर गुप्ता नाम के एक एम्स के डॉक्टर ने एक सोचा समझा और हो सकता है कि पैसे लेकर दिया गया बयान दिया था, उसके बाद आज तक चैनल ने किस तरीके से मुंबई पुलिस के कमिश्नर को बचाने की कोशिश की थी, महाराष्ट्र सरकार को बचाने की कोशिश की थी। तो ये सारे के सारे खेल इसलिए होते हैं कि वो पैसा कमाना चाहते हैं और इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इन्हें खबर से कोई मतलब नहीं है, लोगों के और समाज की सोच से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र के सम्मान से या लोगों की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, इनका सब कुछ पैसा है। जय हिंद, जय भारत।